फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल SNP टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अपने मोरफो डिवाइस को अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों, जिससे कि आप अपने जो भी मोरफो डिवाइस है उसे आप किसी भी सर्विस में यूज ले सके दोस्तों। जिस तरह आप कंप्यूटर लैपटॉप में यूज लिया करते थे मोरफो डिवाइस का, उसी का आप अपने मोबाइल से कैसे यूज ले सकते हो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। इसके लिए आप जो आपका मोरफो डिवाइस है वो आपके मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए आपका मोबाइल है वो ऑटोजी सपोर्टेड होना चाहिए दोस्तों। मोबाइल किसी के कंपनी का चल जाएगा बट वो ऑटोजी सपोर्टेड होना चाहिए, तभी आपका मोरफो आपके मोबाइल में वर्क करेगा दोस्तों। तो आपको इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर ओपन करना है मोरफो डिवाइस को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए। फिर आपको प्ले स्टोर में सर्च करना होगा दोस्तों मोरफो आर्डिस, ये आपको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल बटन आपको शो हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है दोस्तों, फिर आपको ओपन बटन यहाँ पर शो हो जाएगा दोस्तों। मैंने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा तो दोस्तों इसलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक करके दोस्तों फिर यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आएगा तो इसे अलाउ कर देना है दोस्तों। फिर आपको कुछ देर आपको वेट करना है दोस्तों। यहाँ पर कुछ यहाँ पर सर्विस वर्क नहीं करता था, आपको ऊपर देखना है, आपको ऊपर यहाँ पर एरर का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, एरो का बटन आ रहा है ऊपर कोने में देखेंगे ऊपर ऊपर, उस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। ये पेज है जो ये नो सिंगल डिवाइस रजिस्टर येट बता रहा है, तो आपको फिर से इसे ओपन करना है दोस्तों। एक बार में ये काम नहीं करेगा, दो तीन बार इसे ऐप को बंद करके वापस ओपन करना है, फिर थोड़ा जाके आपको काम करने लग जाएगा दोस्तों। एक बार में वर्क नहीं कर पाएगा दोस्तों। इससे ऐप को अगर यहाँ पर डिवाइस फेल बता देता है तो इस ऐप को आपको इसे बैक लेना है, वापस बंद कर देना है, फिर से इसे ओपन करना है तो आपका 100% वर्क करने लग जाएगा। ये तो एरर बता रहा सर्वर का, तो इसे ओके कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, अब देखते हैं क्या एरर आता है। जब तक यहाँ पर रेडी टू यूज का ऑप्शन नहीं मिलता तो तब तक आपको इसे चेक करते रहना, इसलिए इसे एक बार इसे जो ऐप है इसे क्लोज कर दो, एक बार फिर से इसे ओपन कर दोस्तों। कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा, फिर से थोड़ा सा वेट कीजिए, आप ट्राई करते रहेंगे तो 100% ये जो मोरफो डिवाइस है आपके मोबाइल में भी वर्क करने लग जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा जब आप नए नए होंगे डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बट आप कंटिन्यू से ट्राई करते रहेंगे तो आपका 100% ये रेडी हो जाएगा दोस्तों। कुछ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो सकता है तो आपको नेटवर्क का भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं देखा अपना नेटवर्क चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट कर लेता हूँ तब तक। यहाँ पर देख सकते हो कि दोस्तों जो हमारा जो डिवाइस था वो थोड़ा नेटवर्क के प्रॉब्लम से वह एरर शो हो रहा था। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे, फिर से आपको बताता हूँ क्या बता रहा था। वो जो अब आ रहा था एरर यहाँ पर शो हो गया कि योर डिवाइस इज़ रेडी फॉर यूज, तो आप इसे वर्क काम में ले सकते हो दोस्तों। जो अभी नेटवर्क जो एरर आ रहा था दोस्तों वह नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो आप अपना मोबाइल का नेटवर्क चेक कर लीजिएगा दोस्तों। आपका जो ऑटोजी जो है मोरफो डिवाइस है ऑटोजी केबल से आपके द्वारा आपके मोबाइल से कनेक्ट होना चाहिए। फिर आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर योर डिवाइस इज़ रेडी बता देगा, तो आप इसे काम में ले सकते हो दोस्तों। तो हम यहाँ पर आपको चेक करके बता देते हैं, तो यहाँ इस तरह थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी आ जाएगा दोस्तों। ये आ गया योर डिवाइस इज़ रेडी फॉर यूज, तो हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। कहीं पर कोई भी सर्विस में यूज़ करेंगे तो इसमें लाइट जल जाएगी दोस्तों। इस तरह अपना मोरफो को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।